दोस्तों, जितने राज धरती पर छुपे हुए हैं, उससे कई ज्यादा राज अंतरिक्ष में छुपे हैं। यहाँ तक कि अगर अंतरिक्ष पर लगातार 100 साल तक भी अध्ययन जारी रखा जाए तो भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में पूरी जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये है कि अंतरिक्ष में अब तक 800 से ज्यादा गैलेक्सी ढूंढी जा चुकी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 19 अरब गैलेक्सियां हो सकती हैं। अंतरिक्ष के बारे में कहा जाता है कि वहां पर मौजूद दूसरे ग्रहों के लोग पृथ्वी के लोगों से कई ज्यादा गुना होशियार हैं। और आज के वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे ही कुछ चौंका देने वाली बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी टेक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस। और आज का वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अंतरिक्ष से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह बहुत धीमी गति से घूमता है, जिस वजह से शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। मजेदार बात यह है कि शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के दिनों से भी कम समय लगता है। साथ ही शुक्र भी पृथ्वी की तरह क्लॉकवाइज घूमता है और इसी वजह से शुक्र पर भी सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। फैक्ट नंबर 2, अंतरिक्ष से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि अगर कोई अंतरिक्ष में रोना भी चाहे तो भी वो चाहकर रो नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नहीं होती है, इस कारण वहां पानी नीचे नहीं गिर सकता। यहाँ तक दोस्तों, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को पानी पीने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करते हैं, पानी हवा में तैरने लगता है और इसीलिए वो पानी की छोटी छोटी बूंदों को हाथ में लेकर अपने मुंह में डालते हैं और इस तरह से वो पानी पीते हैं। फैक्ट नंबर 3, अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है, यहाँ आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसका कारण ये है कि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल और एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से साउंड के पास यात्रा करने के लिए कोई मीडियम नहीं होता। और दोस्तों, ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो की तरंगों को अभी भी भेजा और प्राप्त किया जा सकता है और इसी वजह से अंतरिक्ष में रेडियो एक अच्छा कम्युनिकेशन मोड है। और रेडियो की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को एक दूसरे से बात करने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष में रहना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष में रहना पृथ्वी के समान नहीं है। अंतरिक्ष में जाने पर अंतरिक्ष यात्री हवा में तैरते रहते हैं, जहां वो अपने पैरों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिस वजह से स्पेस में नॉर्मल लाइफ को जीना काफी मुश्किल है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री ज्यादातर लिक्विड के फॉर्म में ही भोजन करते हैं, क्योंकि अगर वो रोटी या फिर कोई सूखा भोजन लेते हैं तो अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने की वजह से वो सभी सामान हवा में तैरने लगते हैं, जिस वजह से अंतरिक्ष यात्री को चोट लगने के भी आसार सामने आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो सामान तैरते तैरते अंतरिक्ष यात्री की आंख में भी लग सकता है। फैक्ट नंबर 6, अंतरिक्ष में सोने के लिए काफी मेहनत करनी होती है। सोने के लिए यात्रियों को खुद एक बैग के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने के कारण चीजें हवा में तैरती रहती हैं, जिस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को एक स्लीपिंग बैग की सहायता से खुद को सुलाना पड़ता है और साथ ही उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सोना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतरिक्ष का स्लीपिंग सेंटर देखने में एक फोन बूथ की तरह लगता है, लेकिन इस स्लीपिंग सेंटर में सोने के अलावा मनोरंजन की काफी और चीजें भी उपलब्ध होती हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर
कपड़े और बुक्स भी होती हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने के कारण इंसान की रीढ़ की हड्डी को पृथ्वी पर होने वाले खिंचाव से छुटकारा मिल जाता है, और जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है तो उसकी लंबाई 2.25 इंच तक बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि चांद पर सबसे पहले पैर रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि आज तक उनके कदमों के निशान चांद पर मौजूद हैं। दोस्तों, दरअसल चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, इसी वजह से चंद्रमा पर लगे किसी भी निशान को मिटाने के लिए ना तो वहाँ कोई वायु है और ना ही पानी। और जब भी कोई एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर पहुँचता है तो उसके निशान लाखों सालों तक चांद पर बने रहते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब हम धरती से आसमान की ओर देखते हैं तब हमें आसमान नीला दिखाई देता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दोस्तों, ये सब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन और वायु के कारण ही आसमान हमें नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष को देखते हैं तो आपको वो पूरा काला नजर आएगा, यहाँ तक कि सूरज के इतने तेज चमक के बावजूद भी पूरा अंतरिक्ष काला है, और अगर चांद पर दिन का समय हो तब भी वहाँ पर अंधेरा ही छाया रहता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण चांद हमेशा चमकता जरूर रहता है और चांद की जमीन हमेशा चमकीली नजर आती है। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष में वायु नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, यही कारण है कि यहाँ अंधेरा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मज़ेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।